उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनकी नगाड़े बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनकी अनुरूप वचन कहे। राज ऋषि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी अब पांडव वंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उसे राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से किया करते थे। हम सब तब तक नहीं रहेंगे जब तक ये भगवान की परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं सुख से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के ऐसे वचन बड़ी ही मधुर गंभीर सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाली मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं। विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए, सुखदेव महाराज की जय। इवर्ण अथवा आश्रम की बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण हाथ जंगा भुजाएं कंधे कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। इनसे मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इसी दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया, फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछने लगे।
श्री परीक्षित जी ने कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन स्पर्श पाद प्रक्षालन और आसन दानादि का शुभ अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप शरीर के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। क्योंकि कहते भी हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, कैसे भी होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? भगवान, साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुरवाणी से इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए तब समस्त धर्मों की मर्म की व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। भोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इति प्रथम स्कंद संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में प्रथम अध्याय ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुननी, स्मरण करनी या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है, उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाते हैं। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर पुत्र स्त्री आदि कुछ भी नहीं है, असत्य है। परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख कर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसा हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम मुख में, जब प्राण तन से निकले। ही परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान की अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्री मद्भागवत नाम की महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजऋषि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया।